हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक विल बी डिस्कस अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन स्टूडेंट्स, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? हम लोग इसके पहले जो था, बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग के बाद में हम लोग इसमें गए थे, और उस प्लांट ब्रीडिंग के बाद जो आज का टॉपिक है वो सिंगल सेल प्रोटीन होगा। चूंकि स्टूडेंट्स हमें इसमें बताया था कि बेसिकली आज के समय में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही साथ हमको फूड स्टफ्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फूड स्टफ्स में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इसमें हमको बैलेंस डाइट के रिक्वायरमेंट होती है, और बैलेंस डाइट होने के साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि इस कंडीशन में जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड्स जो है वो नहीं है, और इसकी वजह से जो होता है सभी लोग जो होता है फुल्ली फुलफिल जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो पीपल्स को उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे अपने ही कंट्री में, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे एरिया में जो होते हैं मेल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और इस मेल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के साथ ही साथ ये जो मॉल न्यूट्रिएंट्स होता है इसकी वजह से जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो प्रोटीन की कमी से जो डिजीज काज कर रहा है। जबकि इसमें अगर देखा जाता है तो सबसे ज्यादा जो डिजीज काज करने का जो फैक्टर होता है वो कवर्सिकल डिजीज होता है और मारास्मस डिजीज होता है। ये दोनों जो होता है मेल न्यूट्रिशन की कमी से यानी प्रोटीनेसिस प्रोटीन की कमी से इसका डिजीज काज करता है, और ये जो अगर हमारे अगर देखा जाता है अपने कंट्री में, अगर ये जो प्राइमरी सोर्स जो इसका होता है जो शिशु में या जो बच्चे में छोटे चिल्ड्रेन होते हैं उसमें अगर ये चीज कमी हो जाती है तो उसकी जो बॉडी का ग्रोथ इसमें डेवलप नहीं होता, और डेवलप नहीं होने के साथ साथ क्या होता है कि यह स्टूडेंट्स हमारे जो आगे का फ्यूचर जो देश का जो कहते हैं जो ये पीपल्स होते हैं या बच्चे जो होते हैं आगे चल करके किसी प्रकार को फुलफिल नहीं कर पाते, यानी हमेशा उसकी जो कंडीशन होती है ये सारे क्या करता है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाता है पहला जो फैक्टर हमें बताया कि यह जो न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण या बैलेंस डाइट की कमी होने के कारण क्या होता है कि हमारे जो इस क्षेत्र में होता है बहुत सारे डिजीज काज कर जाते हैं। दूसरा हमने बताया कि जो हमारे पॉपुलेशन दिन डे बाय डे इसके क्या कर इंक्रीज कर रहा है, और डे बाय डे बढ़ने के साथ ही साथ हमको जो लैंड्स की कमी होती है, अब इस तरीके से हमारा जो न्यूट्रिशन होता है कमी करने के इस कमी को फुलअप करने के लिए क्या होता है हमको हाईली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी का कहने का सेंस ये होता है कि हमको प्रोटीन चाहिए बैलेंस डाइट फॉर्म में, विटामिन चाहिए, इसके साथ साथ फैटी फैट चाहिए या अन्य जो सोर्स होता है सभी को हमको कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। बट ऐसे कंडीशन में ये चीज़ जो हमको फुलफिल जो होता है वो चीज़ बहुत सारे पॉपुलेशन इसमें पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इसे कम्प्लीट नहीं हो पाता। इसी के सेंस में क्या होता है कि हम लोग आज के जो इस प्रेजेंट टाइम में यानी जो देखा था कन्वेंशनल एग्रीकल्चर तो हम लोग इसका प्रायोरिटी इसको देते हैं कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, और इसमें जो होता है इसको बहुत सारे काज डेवलप होते हैं, उसी का एक क्राइटेरिया होता है, उसी का एक सेक्टर होता है जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन में क्या होता है बेटा कि हमने बताया कि एक ऐसा प्रोटीनेशियस सब्सटेंस हम इसको एग्रीकल्चर के थ्रू या हम एक अपने जो डेली लाइफ में होता है जो फार्मूल हमारे लिए क्या होता है वॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वॉस्ट प्रोडक्ट के कारण में जो डेवलप होते हैं उससे हम क्या करते हैं हाई प्रोटीनेशियस या फूड स्टफ को हम पास करते हैं डेवलप करते हैं, और उससे हम न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने का कार्य कर सकते हैं। अब इसके संदर्भ में अगर देखा जाता है बेटा कि जो बहुत सारे जो कंडीशन इसका होता है अगर मेल न्यूट्रिशन की कमी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक ही सोर्स के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन की या प्रोटीन्स की या ऐसे ऐसे अगर देखा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन होता है उसमें जो होते हैं बहुत सारे फूड सोर्स का आगे इसी का पार्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे फूड सोर्स कंबाइन करके फॉर्म करते हैं डेवलप करते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है कि बेसिकली यह जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन एक कैसा होता है कि यह एक तरीके से रिफाइंड सोर्स होता है, फूड का रिफाइंड सोर्स होता है। रिफाइंड सोर्स होने के कारण यह समझ लेते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए हमको अगर एक किलो मीट प्राप्त करने के लिए या
एक किलो मीट प्राप्त करने के लिए या एक से दो किलो कर सकते हैं, तीन किलो अगर उसे होता है, हम एक किलो का सिंपल लेते हैं, अगर एक किलो किसी का मीट को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको क्या है, कम से कम 8-10 kg क्या करता है उसको हम शरीर या उसको फूड स्टफ का अब इसको बंदोबस्त करना पड़ेगा। यानी ऐसे कंडीशन में जो हम अगर 10 किलो खिलाएंगे तो उसको 1 किलो मीट प्राप्त होगा। और इसी तरीके से अगर देखा जाता है कि हम अगर इसमें बहुत ज़्यादा सोर्स में अगर देखा जाता है कि करीब 250 kg अगर हम फूड स्टफ खिलाते हैं तो हमको कितना मिलता है, अगर प्रोटीन की जो सोर्स होती है वो स्टूडेंट कितना होता है, वो 250 ग्राम प्रोटीन का हमको डेवलप होता है। अब ये समझ लीजिए कि जो हमको 250 ग्राम प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमको कितना खिलाना होता है, वो जो खाना अगर मान लीजिए काऊ है उसको हम क्या करते हैं 250 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए, वो मिल्क प्रोटीन से ले सकते हैं, मिल्क हम सिंपल बात बोलते मिल्क प्रोटीन अगर लेता क्या होता है, क्योंकि 250 मिल्क उसके प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमको कितना 250 ग्राम प्राप्त करने के लिए हमको बहुत 250 उसको केजी उसको सेल्स या फूड स्टफ को उसको खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको अगर इस तरीके से अगर देखा जाता है, क्योंकि एक तो ह्यूमन बीइंग को हमको इतना डेवलप नहीं हो पा रहा, फूड सोर्स नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो हम एनिमल सोर्स के लिए हम कहाँ से इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्स को डेवलप करने के लिए हमारा जो सबसे बेटर तरीका होता है वो होता है सिंगल सेल प्रोटीन। और सिंगल सेल प्रोटीन को क्या करता है बेटा, यह जो होता है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और इकोनॉमिक जो देखा था इकोनॉमिकली जो यूज होता है, ये क्या होता है कि बेसिकली ये हमारे बहुत सारे जो हार्मफुल एक्टिविटी के जो होते हैं डेली लाइफ में, जैसे गार्बेज हो गया या हमारा जो कह सकते हैं जो वुड कटर्स होते हैं जो उसके फालतू जो लकड़ी वगैरह का छीलन होता है, या इसका जो मक्के का जो जो उसका हम लोग खाते हैं, यानी जो हार्मफुल हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया से हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा डेवलप करते हैं फंजाई के द्वारा डेवलप करते हैं, ईस्ट के द्वारा डेवलप करते हैं, एल्गा के द्वारा डेवलप करते हैं, यानी ये सारे जो होते हैं इसके डेवलप करके क्या करते हैं इसके द्वारा बहुत सारे हैं उसको हम सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में हम यूटिलाइज करते हैं और वो होता है हमारे बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। तो इसी का जो पार्ट होता है बेटा सिंगल सेल प्रोटीन, हम लोग कैसा होता है कि इसमें देखें जो बताए थे सिंगल सेल प्रोटीन के लिए कि क्या होता है, यह जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन या सिटीज को शॉर्ट में बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, इट इज सिंगल सेल प्रोटीन इज जेनेरिक टर्म फॉर क्रूड और रिफाइंड प्रोटीन। जेनेरिक टर्म क्या मतलब क्या होता है, यह जो होता है हम किसी भी सोर्स से इसको रिफाइन करके उसको हम प्राप्त करते हैं, यह एक जेनेरिक टर्म हो गया, जेनेरिक टर्म हो गया इसे फूड आर रिफाइंड प्रोटीन कहते हैं। उस और ये एक बैक्टीरिया जो क्या करता है, ये बैक्टीरिया इसको डेवलप करता है ओरिजिनेट करता है। तो ये कैसा होता है सिंगल सेल प्रोटीन क्रूड आर कैसा होता है, ये जेनेरिक टर्म होता है, जेनेरिक टर्म होता है, इसके साथ क्या होता है ये रिफाइंड प्रोटीन होता है, रिफाइंड प्रोटीन जो ओरिजिन क्या करता है बैक्टीरिया करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये कैसा करता है, ये डायरेक्टली फूड सोर्स को क्या करता है सप्लीमेंट के रूप में जो डेवलप करने का कार्य करता है, इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ये जितने हमने क्या बताया बेटा कि हम जैसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, हमने बताया कि प्रोटीन हमको मिल्क से प्राप्त होता है या हम फ्लैश से प्राप्त करते हैं, मीट मांस मछली अंडे से हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो हम इसके द्वारा जो प्राप्त करते हैं ये डायरेक्ट सोर्स के रूप में डायरेक्टली हमको प्रोटीन मिलता है। वैसे अगर मान लिया फ्लेश से होता तो हम पहले काउ को क्या करेंगे, हम 10 किलो उसमें 10 केजी अगर देखते हैं फूड सोर्स यानी सीरियल्स खिलाएंगे, सीरियल्स होगा वेजिटेबल जो भी उसका सीरियल्स के अनाज के उसके होते हैं फीड्स देंगे, उसके साथ साथ 10 किलो देने के बाद भी फिर हम उससे मिल्क प्राप्त करें, मिल्क से प्रोटीन प्राप्त होगा। तो 10 किलो जब खिलाने के बाद हम काऊ के द्वारा हम प्राप्त करेंगे कितना 250 ग्राम यानी 250 ग्राम 250 ग्राम जो प्राप्त करते हैं कितना 10 kg खिलाने के बाद। और ऐसे कंडीशन में हम देखते जो है यहाँ पर जो फीड के रूप में जो बेसिकली अगर देखा जाता है जो बैक्टीरिया के द्वारा जो डेवलप होता है वो क्या होता है, अगर हमारे एक केजी अगर बैक्टीरिया देखा जाता है कितना होता है, 1 kg बैक्टीरिया जो होता है 25 टन यानी 25 टन जो होता है उसको क्या करता है प्रोटीन को
डेवलप करने का कैपेसिटी रखता है। तो ये समझ लेते हैं कि यह जो होता है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन के द्वारा जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, हाईली प्रोडक्शन करता है, हाईली प्रोडक्शन वो भी डायरेक्ट प्रोटीनेसिस सब्सटेंस प्रोटीन के रूप में डेवलप करने का काम करता है। और इसे को क्या करते हैं, यह होता है डायरेक्टली फूड सप्लीमेंट के रूप में होता है। तो यही ये लिखा गया नाइट्रोजन पैक जो डायरेक्टली एज फूड सोर्स एज सप्लीमेंट टू अदर फूड इसका सिंगल सेल प्रोटीन। ऐसे क्या करते हैं, इसे सिंगल सेल प्रोटीन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था इसको जो डिस्कवर किया था प्रोफेसर सीएल विल्सन ने 1966 में, इन्होंने डेवलप किया था, यह किताब पर आया होगा। ये बेटा सिंगल सेल प्रोटीन और ये जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीएफटीआरआई ने इन्होंने रिसर्च किया था, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो था सीएफटीआरआई ने इन्होंने डेवलप किया था। अब इसके देखा आता है दूसरा जो था सिंगल सेल प्रोटीन कैसा होता है, सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस 20 एमिनो एसिड कॉमनली फाउंड इन डायरेक्टली प्रोटीन। हमने बोला क्या होता है, ये 20 अमीनो एसिड का पार्ट होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए बेटा, ये जो अमीनो एसिड की बात आती है यहाँ पर प्रोटीन की बात आती है, तो एक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इस कंडीशन में सिंगल सेल प्रोटीन में अगर देखिए तो इसमें कैसा होता है, यह एक हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्ट होता है, यानी यह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी सॉरी ये हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्ट होता है। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, ये सारे कंपोनेंट मिल करके क्या करता है, प्रोवाइड करने का कार्य करता है। अब इसके साथ ही साथ ये जो प्रोडक्शन करता है ये बहुत सारे फूड सोर्स के रूप में ये सप्लाई सप्लीमेंट के रूप में ये देता है। अब देखिए जो इसका जो मेन सोर्स होता है, अगर देखा हाईली प्रोड्यूस करने वाला जो हाईली सफिशियंट फॉर्म में जो प्रोड्यूस करता है वो होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या होता है, इट इज माइक्रोस्कोपिक ब्लू ग्रेन अल्गा। ये कैसा होता है बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक ब्लू ग्रेन अल्गा होता है जो बेसिकली ये स्पाइरल क्वायर स्टेप जो होता है स्पाइरल ही होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बेसिकली ये सी में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में पाए, दोनों में पाए जाते हैं। और सोर्स क्या करता है, ये दोनों के लिए ह्यूमन के लिए भी और एनिमल के लिए दोनों के लिए सप्लीमेंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। क्योंकि इसमें ये कैसा करता है, फूड और एनिमल यानी एनिमल और ह्यूमन के लिए दोनों के लिए सप्लीमेंट देने का कार्य करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, एसेंशियल होता है, एसेंशियल फैटी एसिड होता है, यानी इसका विटामिन बी में भी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है। वो बहुत सारे जो हमारे जो इम्पोर्टेंस होता है अगर देखा जाता है हमारे बॉडी के हिसाब से या हमारे जो न्यूट्रिशन के हिसाब से जो बैलेंस डाइट के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या करते हैं, इसी के फॉर्म में इसको प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो होता है बेटा सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसके साथ देखते हैं जो इसका नेक्स्ट जो होता है कि इसमें कौन कौन से सिंगल सेल प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं उसको देखते हैं। हमने भी स्टूडेंट बताया था कि बेसिकली इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि बेसिकली हमने जो बताया था जो वास्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन में। अब वास्ट प्रोडक्ट के रूप में अगर देखा जाता है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गा होता है, एल्गा फंगाई इसमें बहुत सारे हैं, जैसे क्या होते हैं एल्गा होता है, फंगाई होता है, और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये हाईली प्रोटीन कंटेंट होते हैं इन देयर बायोमास। ये माइक्रोब्स बेसिकली ये यूज करके क्या करते हैं, ये कैसा होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और ये एग्रीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वॉश प्रोडक्ट के रूप में अगर देखें तो सबसे वॉश प्रोडक्ट के रूप में क्या होते हैं, वॉश प्रोडक्ट के वुड सेलिंग होता है, वुड सेलिंग यानी कि लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, उसके छिलके जो होते हैं उसको बनाया जाता है। कार्ड बॉक्स होते हैं, कार्ड बॉक्स का बेसिकली अगर देख लिया था जो मेज हम लोग खाते हैं उसके जो बीज का पार्ट होता है, यूजलेस पार्ट होता है उसको होता है, पैराफिन होते हैं, शुगर केन मोलेसेस होता है, जो शुगर केन मोलेसेस में जो शुगर का जो निकाल करके जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो सारे यूटिलाइज किया जाते हैं, ये सब होते हैं। अब जो सारे प्रोडक्ट इसको क्या करते हैं हम लोग
फॉर्म करके क्या करते हैं, इसको एग्रीकल्चर के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या होता है, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज फॉर सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन। अब इसमें कौन कौन सा देखता है, अगर देखते जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, फर्स्ट होता है ईस्ट के रूप में, ईस्ट होता है, फंजाई होता है, इसके साथ बैक्टीरिया दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया है और एल्गा दिया है। ईस्ट में होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइक्रोमाइसिस सेरेटिसी, यह होता है एल्कोहल इंडस्ट्री में और सब में इथेनॉल में सल्फेट लिक्विड के फॉर्म में यूटिलाइज जाता है, कन्फेक्शनरी इथेनॉल होता है और सल्फेट लिक्विड के रूप में होता है। तो यह सबसे ज्यादा है, अगर इसको देखा था ईस्ट का हमारे बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज किया जाता है, तो यह सिंगल सेल प्रोटीन का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाता है फंजाई एस्पर्जिलस जो होता है, यह भी क्या होता है, फंजाई एस्पर्जिलस होता है, ये हाई सेलुलोजी वॉश से क्रॉस होता है, ये भी जो होता है लिक्विड के फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है। स्टैट हाइड्रोस्टेराइड है, हाइड्रोस्टेट में भी क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया जो होता है, अगर देखा था हमने बताया जो बैक्टीरिया ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रॉपस जो होते हैं हाइड्रोकार्बन और मेथेनॉल के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया होता है, ये स्पर्गुलिना के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। एल्गा जो होता है क्लोरेला होता है, स्किन डेस्मस होता है, इनका जो होता है क्लोरेला और स्किन डेस्मस, ये जो होता है प्रोटीन और हाइड्रोकार्बन को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से अगर देखिए बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये क्या करता है कि सिंगल सेल प्रोटीन में ये ज्यादा ये प्रोफाइल होता है, और ये होता है हमारे जो जो बायोमास यानी डायरेक्टली सोर्स के रूप में ये यूटिलाइज किया जाता है। और यही जो होता है, अगर देखिए ये सिंगल सेल प्रोटीन के द्वारा हमारे इन आगे नेक्स्ट जो जनरेशन आ रहा है या हम प्रेजेंट टाइम में ही देखा था सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है हमारे लाइफ में क्या करता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का कार्य करता है। अब इसमें देखिए होता क्या है बेसिक, अब इसके लिए कुछ एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज सिंगल सेल प्रोटीन के क्या होता है अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, एडवांटेज क्या होता है इसको देखिए, एडवांटेज के रूप में भी देखिए क्या होता है इसको, ड्राई मास इज वेरी हाई,
यही हाई, ये कितना होता है अधिकतर इसके बजाय 43% से 85% तक का होता है। ऐसा देखा जाए 43% से 85% होता है। नेक्स्ट जो होता है इसका माइक्रोबियल बायोमास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। माइक्रोबियल बायोमास बायोमास कंटेंट माइक्रोबियल बायोमास कंटेंट क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट क्वालिटी ऑफ इट। छोटा सा टॉपिक था बेटा, उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।